प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई जिसमें तीन महत्वपूर्ण फैसले हुए और एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कोरोना के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी सरकार ने लिया है। आपको जैसे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तुलना में भारत ने कोरोना के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है और अन्य अनेक देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ है। दूसरी ये भी बात आपको मालूम है कि 16 जनवरी से वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,07,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है, दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट आई नहीं आई कहीं भी, और 14,00,000 लोगों को दूसरा डोज भी दिया गया है। ये हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया, लोगों को ये मुफ्त दिया गया। अब अगली बारी, लोगों की उम्मीद थी वैसे ही सरकार है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज़्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे कोई भी हो उसको मुफ्त टीका लगेगा, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक हॉस्पिटल्स इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा सोमवार से और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा, प्राइवेट में जो लेंगे उनको शुल्क देना पड़ेगा।